तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। अगर आपको एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना नहीं आता तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप एक 3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए हमें रूबिक्स क्यूब को इस तरीके से पकड़ना होगा जिसमें व्हाइट सेंटर पीस टॉप की तरफ फेस करता हुआ रहे। अब व्हाइट सेंटर पीस को टॉप साइड फेस कराते हुए हमें बॉटम लेयर में ऐसे एज पीस ढूंढने हैं जिसके अंदर व्हाइट कंटेन होता हो, जैसे कि इसमें। अब इसके अंदर व्हाइट और रेड है तो हम इसे इसके सेंटर पीस की तरफ लेकर आएंगे। जब ये सेंटर पीस इसके साथ मैच हो जाए, अगर ये इधर होता तो हम इसे इधर लेके आते, इससे मैच कराते। ये रहा हमारा व्हाइट टॉप एंड देन हम इसको 180 डिग्री फ्लिप कर देते। तो आपका पहला क्रॉस बनाने के लिए पहला एज पीस रेडी है। ये स्टेप करते हुए आपको दो दिक्कतें आ सकती है। पहली, जब आप इसे व्हाइट को व्हाइट के साथ मैच कराएंगे तब आप देखेंगे कि इसको और इसको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी ताकि व्हाइट पीस ऊपर आ सके और ग्रीन पीस अपने ग्रीन सेंटर पीस के साथ मैच कर सके। ये करने के लिए हम इसको इस तरफ घुमाएंगे, टॉप लाइन को इस तरफ घुमाएंगे, जो पीस हम नीचे ले गए थे उसे ऊपर की तरफ लाएंगे और ऊपर वाली लाइन को वापस से इस तरफ घुमा देंगे, जिससे हमारा पहले वाले बनाए हुए एज पीसेस में से कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा और सब अपनी जगह पर वैसे के वैसे रहेंगे। दूसरी दिक्कत जो आपको आ सकती है वो ये कि जो एज पीस आपको चाहिए होगा वो सेंटर में फंसा हुआ होगा और आपको उसे नीचे वाले बेस लाइन में लाना है। ये करने के लिए आप इसे नीचे की तरफ घुमाएंगे, इस पीस को एक बार इस रो से बाहर निकालेंगे और जिसको हमने नीचे किया था उसे हम वापस से सीधा कर देंगे। तो ये पीस हमारा थर्ड रो में आ चुका है और इसे हम ब्लू पीस के साथ मैच करते हुए वापस से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। इन दोनों पीस को एक्सचेंज करने के लिए हम वापस इसे इधर घुमाएंगे, इसे इधर घुमाएंगे, इसे ऊपर करेंगे एंड देन इसे वापस से इधर कर देंगे ताकि जो हमारे पहले के पीसेस बने हुए हैं उनमें से कोई भी डिस्टर्ब ना हो। सेंटर वाइट क्रॉस बन जाने के बाद हम उनके कॉर्नर पीसेस को उनकी सही जगह पर लाएंगे। अब आगे का रूबिक्स क्यूब समझाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मूव सिखाना चाहता हूँ जो हमारे आगे के स्टेप्स में काम आएगा। वो मूव करने के लिए हमें रूबिक क्यूब को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, अप पुश डाउन पुश, सिंपल। एक बार फिर से रूबिक्स क्यूब को इस तरीके से पकड़ना है, अप पुश डाउन पुश। यही सेम चीज की प्रैक्टिस आप अपने लेफ्ट हैंड से भी कीजिएगा, तो कुछ इस तरीके से होगा, अप पुश डाउन पुश। एक बार फिर से, अप पुश डाउन पुश। कॉर्नर पीसेस को उनकी सही जगह लाने के लिए अब जो हम स्टेप करेंगे उसके अंदर हमें वाइट बेस को ठीक 180 घुमा के येलो बेस पे आ जाना है और इसके अंदर टॉप लेयर में वो एज पीसेस ढूंढने हैं जिसके अंदर वाइट पीस कंटेन होता हो। उन पीसेस में जिनमें वाइट कलर कंटेन हो रहा है हमें उस पीस के बाकी के दो कलर देखने हैं, इस वाले पीस में ऑरेंज और ग्रीन। अब हमें इसे उस जगह ले जाना है जहां पे ये दोनों कलर मैच करें, जैसे कि इधर ग्रीन ऑरेंज व्हाइट, तो इस पीस को इधर होना चाहिए।
इस पीस को इधर डालने के लिए हम वही मूव करेंगे जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया, पर इस बार लेफ्ट हैंड से। तो इसे हम ऐसे पकड़ेंगे, अप पुश डाउन पुश, वाइट इधर है, ऑरेंज इधर है, ग्रीन इधर है, मतलब ये सही तरीके से नहीं हुआ है। तो हम वही मूव वापस एक और बार करेंगे, अप पुश डाउन पुश, नहीं एक और बार, 1 2 3 4, नहीं, एक और बार, 1 2 3 4, एक और बार, 1 2 3 4। तो अब देखिए ये कलर अपने सेंटर पीस से मैच कर रहा है, ये कलर अपने सेंटर पीस से मैच कर रहा है, और ये कलर अपने सेंटर पीस से मैच कर रहा है। ठीक उसी तरह हम वापस से टॉप पे आके टॉप लेयर में ऐसे पीसेस ढूंढेंगे जिसके अंदर वाइट कलर मैच होता हो, उसके बाकी के दो कलर देखेंगे, इसमें रेड और ब्लू जो कि अपनी सही जगह पर हैं। पर अब इस पीस को हमें इधर लेके जाना है, तो हम वही सेम मूव अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कॉर्नर पीस भी अपनी सही जगह पर आ गया है। कॉर्नर पीसेस को अपनी सही जगह लाते हुए आपको एक दिक्कत ये आ सकती है कि जो पीस आपको चाहिए वो ऑलरेडी बेस लाइन में है, पर वो अपनी सही जगह नहीं है क्योंकि वो अपने सेंटर पीस से कलर मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पीस को हमें फर्स्ट लाइन में लाने के लिए वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी, पर इस बार अपने राइट हैंड से, 1 2 3 4। अब ये पीस हमारे पास ऊपर की तरफ आ गया है जिसमें हमारे पास ऑरेंज ब्लू एंड वाइट कलर्स हैं। तो अब हम इस पीस को इसके उन पीसेस के पास ले जाएंगे जहाँ पे इसके बाकी के दो कलर हो, जैसे कि ऑरेंज ब्लू वाइट, इस पीस को यहाँ होना चाहिए। तो हम वही सेम चीज़ अब इस तरीके से करेंगे पर अपने राइट हैंड से। तो अब हमारे सारे कॉर्नर पीस अपनी सही जगह पे आ गए हैं क्योंकि इनके जो सेंटर पीसेस हैं वो इनके कॉर्नर पीसेस के साथ मैच कर रहे हैं और हमारा वाइट कलर पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा वाइट कलर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सारे कलर्स में एक टी पैटर्न बन चुका होगा। ये स्टेप पूरा हो जाने के बाद हम सेकंड लेयर को कंप्लीट करेंगे। इसे कंप्लीट करने के लिए हम वाइट कलर को अब बेस में रखेंगे, यानी कि येलो टॉप की तरफ फेस करेगा और वाइट हमारा नीचे की तरफ जाएगा। येलो को टॉप की साइड फेस कराते हुए अब हम ऐसे एज पीसेस ढूंढेंगे जिसमें येलो कलर ना होता हो। तो वो हमारे पास है रेड एंड ब्लू, इसे हम इसके सेंटर कलर के साथ मैच कराएंगे, मतलब अगर ये इधर होता तो हम इसे इसके सेंटर कलर के साथ मैच कराते और फिर देखते कि ये पीस इधर जाता या इधर जाता। तो इस साइड हमारे पास ऑरेंज है और इस साइड हमारे पास रेड है, तो हमें ये वाला पीस इधर डालना होगा। तो अब आप एक और नया मूव सीखने जा रहे हैं जिसके अंदर हमें इस पीस को बाहर निकालना होगा और इस पीस को इधर डालना होगा। वो परफॉर्म करने के लिए हमें जिस पीस को जिस साइड डालना है उसकी ऑपोजिट साइड में पुश करना होगा। जय वापस से एक और बार, ये पीस को हमें इधर डालना है तो हम इस पीस को पहले इसके ऑपोजिट साइड में पुश करेंगे, फिर हम अपने राइट हैंड से वो चार मूव्स करेंगे जो मैंने आपको पहले सिखाए थे, 1 2 3 4। जिस साइड पे हमने वो चार मूव्स परफॉर्म करे हैं और वो परफॉर्म हमने अपने राइट हैंड से करे हैं, तो इस बार हम अपने रूबिक क्यूब को इस तरीके से घुमाएंगे कि उन्हीं लाइनों पर सेम मूव्स हम अपने
लेफ्ट हैंड से कर सके। इसे करने के लिए अब हम इस राइट हैंड वाले को इस साइड करेंगे पुश, और ये वाली चीज जो पहले इधर थी वो अब इधर आ गई है। अब हम वही सेम मूव्स अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। हमने रूबिक्स क्यूब को इस डायरेक्शन में घुमाया था, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, और अब आप देख सकते हैं कि ये पीस अपनी सही जगह पर आ गया है। एक बार फिर से हमें येलो सेंटर पीस को टॉप साइड फेस करते हुए ऐसे पीसेस ढूंढने हैं जिनके अंदर येलो कलर ना हो, जैसे कि ये ब्लू एंड ऑरेंज। अब हम इसे इसके सेंटर पीस के साथ मैच कराएंगे, तो ये नहीं, ये ऑरेंज के साथ हमारे पास ब्लू है, तो ये पीस जाएगा इधर। अब हमें इस पीस को इधर डालने से पहले इस पीस को इससे दूर पुश करेंगे, राइट हैंड के साथ वो चार परफॉर्म मूव्स करेंगे, 1, 2, 3, 4। इस वाली साइड पे जिसपे हमने मूव्स परफॉर्म करे हैं इसे लेफ्ट हैंड पे फॉरवर्ड करेंगे, और वही सेम मूव्स अपने लेफ्ट हैंड के साथ वापस करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा वाइट कलर पहले से ही कंप्लीटेड था। स्टेप परफॉर्म करते वक्त एक दिक्कत जो आपको आ सकती है वो ये कि वो एच पीस ऑलरेडी मिडिल लेयर में है पर अपनी सही जगह पर नहीं है, क्योंकि उसके दोनों साइड के सेंटर पीस के कलर मैच नहीं होते। तो इसमें ऑरेंज ऑरेंज के साथ तो है पर ब्लू ग्रीन के साथ है, तो इस वाले पीस को बाहर निकाल के इसकी सही जगह पर डालने के लिए हम वापस से वही सेम मूव्स परफॉर्म करेंगे, पर इस बार ये चीज़ हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से पहले चार मूव्स परफॉर्म करेंगे, तो 1, 2, 3, 4। अब ये पीस जो हमारा यहाँ फंसा हुआ था ये अब बाहर आ चुका है, और अब हम इसे सेम उसी तरीके से इसकी सही जगह पे प्लेस करेंगे। अब जब हमारे पास वाइट कलर पूरा कंप्लीट तरीके से बन चुका है और बाकी के भी दो लेयर बन चुके हैं, तब हम वापस से हमारा फर्स्ट स्टेप को रिपीट करेंगे जिसके अंदर हमने वाइट का क्रॉस बनाया था, बट वो चीज हम इस बार येलो के साथ परफॉर्म करेंगे। अब इस स्टेप पे आने के बाद आपके पास तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस जो कि मेरा है, जिसके अंदर सिर्फ आपके पास एक येलो डॉट होगा। दूसरा केस आपके पास एक एल शेप हो सकता है, अब वो फर्क नहीं पड़ता कि इस शेप में हो या फिर इस शेप में या किसी और शेप में। और तीसरा सिनेरियो जो आपके साथ हो सकता है वो हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन। हम किसी भी सिनेरियो को पिक करके उसे क्रॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसे हमें क्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए कोई सी भी एक साइड को पहले इस तरीके से पकड़ना होगा, उसे यूं टर्न करना होगा, इस वाली साइड से जिस साइड हमने टर्न किया है उस साइड वापस से वो चार मूव्स परफॉर्म करने होंगे, तो 1, 2, 3 एंड 4। और जिसको हमने टर्न किया था उसे वापस से सीधा कर देना है। अब मेरे पास जो पहले सिंगल येलो डॉट था अब वो एक एल शेप में आ गया है। अगर आपके पास पहले से एक एल शेप था तो अब उसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आगे बताता हूँ। इस एल शेप को हमें इस तरीके से होल्ड करना है कि वो अपर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ हो। इसको इस शेप में रखने के बाद आप वापस से इसे डाउन साइड पुश करेंगे, इस वाले हैंड पे जिस साइड हमने पुश किया है उसे चार मूव्स करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, और इसको सीधा कर देंगे। तो
तो अब आप देख सकते हैं हम अपने थर्ड सिनेरियो पे आ गए हैं, जो कि है एक स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी हो, उसे एक क्रॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पर उससे पहले अगर आप एक लाइन पे पहुँच चुके हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इस लाइन को हॉरिजॉन्टल होल्ड कर रहे हैं, ना कि वर्टिकल। इसे हॉरिजॉन्टल तरीके से होल्ड करने के बाद हम वापस से वही सेम मूव करेंगे, इसे डाउन साइड मूव करके चार मूव्स करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, और जिसे डाउन पुश किया था उसे हम वापस से सीधा कर देंगे। तो अब हमारे पास ये येलो का क्रॉस कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा अब जब येलो क्रॉस भी कंप्लीट हो चुका है, तब हम इन एज पीसेस को उनके सेंटर पीस के साथ मैच कराएंगे। अगर आपके सारे एज पीस मैच हो चुके हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके एज पीसेस जो सेंटर पीस से मैच करे हैं वो साइड बाय साइड हैं, तो आप रूबिक्स क्यूब को कुछ इस तरीके से होल्ड कीजिए कि उनमें से एक साइड बैकवर्ड पॉइंट करे और एक साइड आपके राइट हैंड साइड पे करे। पर अगर आपका मेरी तरह दोनों पीसेस ऑपोजिट साइड पे हैं, तो आप रूबिक्स क्यूब को किसी भी तरह होल्ड कीजिए। हम नेक्स्ट स्टेप में इन वाले पीसेस को इनकी सही जगह लाएंगे। मेरे जो एज पीस उनकी सेंटर पीस से मैच हो रहे हैं वो दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं। उनमें से एक साइड मैंने अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखा है और अब मैं चाहता हूँ आप अपना पूरा ध्यान इन दोनों पीसेस पर रखें। तो अगले स्टेप में हम इन दोनों पीसेस को ऊपर लाएंगे, दूर पुश करेंगे और वापस से नीचे कर देंगे। फिर हम इन दोनों पीसेस को फर्दर दूर पुश करेंगे, इसको वापस से ऊपर लेंगे, इन दोनों पीसेस को इनकी ओरिजिनल जगह पर लाएंगे और फिर हम इन्हें वापस से नीचे कर देंगे। इसके बाद हम रेड को रेड के साथ और बाकी दूसरे कलर्स को देखेंगे कि वो अपने सेंटर पीस से मैच हो रहे हैं या नहीं। तो मेरे केस में ये मैच नहीं हो रहे हैं, तो मैं इस स्टेप को एक बार फिर से करूँगा। तो इन दोनों को मैंने ऊपर लिया, दूर पुश किया और इस वाली साइड को वापस से नीचे कर दिया। फिर मैंने इन दोनों को वापस से दूर पुश किया, ऊपर लिया, वापस से इनको इनकी ओरिजिनल जगह पर लाया और डाउन कर दिया। तो अब मेरे रेड रेड के साथ आ रहा है, ग्रीन ग्रीन के साथ, ऑरेंज ऑरेंज के साथ और ब्लू ब्लू के साथ। जब हमारे सारे एज पीसेस अपनी सही जगह पर आ गए हैं, तो उसके बाद हम कॉर्नर्स पीसेस को उनकी सही जगह पर लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इस पीस को देखते हैं, इसके अंदर हैं येलो, ब्लू और रेड, पर ये ऑरेंज ग्रीन और येलो से मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये कॉर्नर पीस अपनी सही जगह पर नहीं है। इसमें है ऑरेंज ग्रीन येलो, ऑरेंज ब्लू येलो, ये भी अपनी सही जगह पर नहीं है। इसमें है येलो ऑरेंज ब्लू, इसमें है रेड ब्लू येलो, ये भी अपनी सही जगह पर नहीं है। इसमें है ग्रीन येलो और रेड, ये अपनी सही जगह पर है। तो जो पीस अपनी सही जगह पर है, आप उसे राइट हैंड साइड पे होल्ड करते हुए एक एल्गोरिदम लगाएंगे, जो एल्गोरिदम है पुश अप। वही सेम चीज अब आप अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, पुश अप। इसके बाद आप वो सेम चीज अपने राइट हैंड से दोबारा करेंगे, बट इस बार वो चीज जो आप पहले ऊपर ले जा रहे थे उसे आप डाउन पुश करेंगे, मतलब पुश डाउन एंड वापस से लेफ्ट हैंड से पुश डाउन। जो पीस आपकी सही जगह पर है उसके ऊपर आप उंगली रख के देखें
कि आपका बाकी सारे पीसेस अपनी सही जगह पर आ गए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सारे कॉर्नर पीसेस अभी तक अपनी सही जगह पर नहीं आए हैं, तो हम वो सेम चीज़ दोबारा करेंगे। तो पुश अप, पुश अप, देन पुश डाउन, पुश डाउन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अपनी सही जगह पर है, ये सॉल्व ही हो चुका है, ये पीस भी सॉल्व हो चुका है और ये पीस अपनी सही जगह पर आ गया है। अब हमारे सारे पीसेस अपने करेक्ट लोकेशन पे आ गए हैं। अब इन्हें बस इनके सही ऑर्डर में प्लेस करना है। उन्हें सही ऑर्डर में प्लेस करने के लिए हम वापस से येलो बेस को टॉप में रखने की जगह वाइट बेस को टॉप पे ले आएंगे और फिर जिस पीस को हमें सही करना है उसे हम राइट हैंड साइड की साइड रखेंगे। मेरे केस में दो पीसेस ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, तो अब मुझे बस इसे और इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं वापस से वही चार मूव्स करूंगा जो हमने पहले सीखे थे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, येलो येलो। ये पीस अपनी सही जगह पर आ चुका है। अब मुझे इस पीस को सही करना है। इस पीस को सही करने के लिए मैं क्यूब को इस साइड रोटेट नहीं करूंगा ताकि वो मेरे राइट हैंड साइड पर आए। मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेयर को मूव करूंगा और अब ये चीज मेरे इस राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो एक बार फिर से मैं वही चार स्टेप्स करूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि मेरे दो साइड पहले ही सॉल्व थे। मेरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है। इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इस चीज को सॉल्व कर लो, आपको क्यूब को रोटेट नहीं करना है, सिर्फ बेस लाइन को रोटेट करते हुए चारों कॉर्नर्स को इस वाले राइट हैंड साइड कॉर्नर पे लाके सॉल्व करना है। तो इसी के साथ आपने अपना पहला रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लिया है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करना।